नमस्कार भाइयों, किसान समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। भाइयों, आज मैं हूँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, भाई काफ़ी दूर आ रहा हूँ और काफ़ी दूर आने का फ़ायदा भी मिला अपनी जानी मानी वैरायटी जिसे लोग नु करे भाई ख़त्म हो ली जाली, कुछ नहीं बच रहा है इसमें। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी दिक्कत में नहीं है, यहाँ भी देखो कैसा तूफान खड़ी है, वो भी शादी विधि में खड़ी। और ये अपने कपिल भाई का खेत है, कपिल भाई के यहाँ आया हूँ। भाई की अपना 35 की वीडियो देख ली होगी पहले, तो कपिल भाई के पास लेकर चलता हूँ भाई, सारी जानकारी लूँगा, क्यों हमारे साइड में तो है भाई 38 का बुरा हाल, तो भाई ने कैसे बचा रखा। वैसे इनके यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया खेत, बढ़िया बढ़िया खेत खड़े, तो बाकी जानकारी कपिल भाई से लेंगे। कपिल भाई के पास चलता हूँ। नमस्कार भाई जी। नमस्कार साहब, एक बार किसान भाइयों के लिए अपना परिचय दे दो। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। हाँ जी। तहसील अनूपशहर और गाँव अमरपुर, नाम कपिल चौधरी। तो कपिल भाई, ये कब की बुआई है? ये भी मार्च की है जी। मार्च की है? हाँ जी, ये भी मार्च की है। तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ भाई, अभी वीडियो रोक के देखो, कपिल भाई का सामने अपना वो 35 वाला प्लॉट भी है, 13235 का, उसके सामने ही है यहीं उसके। ये मतलब 10-5 दिन का आकर पीछा है इन दोनों को, ज़्यादा फर्क नहीं है। चलो अंदर चल के दिखाऊंगे। और तो कपिल भाई एक चीज़ बताओ, बस जैसे हमारे साइड में 10 साल बहुत बुरा हाल है भाई, आपने जो इतना शानदार बस 38 खड़ा कर रखा है, बिल्कुल बहुत ही गजब का, बहुत गजब का, जिसे जितनी तारीफ करे जाओ उतना कम है, और आप इसे मार्च की बुआई बता रहे, तो ऐसा हो रहा जैसा सोचा? बिल्कुल ऐसा सोचा जैसा हो रहा। तो आपने इसमें क्या क्या प्रबंधन करा था, एक बार भाइयों के लिए बता दो क्यों? प्रबंधन इसकी बुआई पहले तो सबसे पहले देसी खाद। अच्छा, कूड़ी का खाद अपना? कूड़ी का खाद इसमें। हाँ जी, मतलब भरपेट डाला इसमें। अच्छा, भरपेट, जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, काली पड़ रही थी, बिल्कुल मामला एकदम सेट कर रखा था। हाँ जी। और बाकी जो लोग लगाते हैं अपना इंसेक्टीसाइड फंगीसाइड वगैरह, हाँ जी, उसकी थोड़ी देखभाल रखी इसमें, क्योंकि लोग बाग बहुत कहते हैं कि 38 बहुत बिगड़ रहा है, हम भी देखते हैं यूट्यूब पे और फोन पे। हाँ हाँ। और मवाने साइड में, आपकी साइड में, उधर मेरठ साइड में काफी बिगड़ रहा है अभी। हाँ, आपके साइड में क्षेत्र में हमने, आपके साइड में इतनी दिक्कत नहीं है? हाँ, हमारी साइड में बहुत कभी आते खेत खराब है, ज्यादातर से ठीक खड़े। और बाकी थोड़ा सा ख्याल रखने के बाद में 38 बढ़िया चल रहा है, अभी फेल होने वाली वैरायटी है नहीं वैसे। देखो आपने तो कई सारी वैरायटी लगा रखी है, अगर ये ठीक खड़ा तो इसके तो तोड़ का बीज है ही नहीं ना जी। क्यों कपिल भाई? तो कपिल भाई अपना मतलब मकसद ये रहा है, जैसे भाई इतनी दूर भी आ रहा हूँ मैं भाई, जैसे आप अपने कुछ किसान भाई 38 से घबरा रहे इनको भाई, ये मामला खराब हो गया। देखो अपनी साइड में सच्चाई है, दिक्कत भी है, में है ये। तो मतलब वीडियो बनाने का मकसद मेरा यू है, तो वे जैसे अब ये नए नए बीज हैं, सब सब पता तो है नहीं जी। और भाई ऐसा जादू की पुड़िया भी नहीं है कि भाई अगले साल सब है, सब सब पे हो नहीं भी नहीं सकते, धीरे धीरे बढ़ेंगे 2-3 साल में। तो इतना इसे 38 को रोक लें, तो अपना जो भाइयों के अनुभव शेयर करता रहूं, जैसा यहाँ आया भाई, यहाँ वीडियो बना लिया अपना, आपसे पूछ लिया, मेन भाई मेन है इसमें अपना कुड़ी का खाद दवा का गेरा, बाकी नॉर्मल देखो डोज नॉर्मल दवाई, जो ज्यादा एक्स्ट्रा दवाई जो लोग लगाते हैं, और मेरा मानना है कि बीज उसकी वजह से भी गन्ना खराब होता अपनी साइड में, ये तो दिक्कत है, अंधाधुन लागत है, अंधाधुन लागत से भी खेत, मतलब उस चीज की जरूरत नहीं है। स्प्रे कर रहे हैं तो 4-4 इंसेक्टीसाइड एक साथ मिलाकर कर रहे हैं, चार उनका कोई उसका क्या पता कौन सा असर करेगा, कौन सा असर करेगा, कौन सा नहीं करेगा। देखो भाई एक चीज और दिखा देता हूँ भाई, ये नहीं है तो खेत तो थोड़ा सा पानी भर रहा, चलने में दिक्कत आ रही, तो उनको भाई एक आधी लाइन ऐसी तो सारा खेत तूफान खड़ा, बहुत गजब का। ये देखो 30 इंची की बुवाई है। अच्छा, 30 इंची की बुवाई है? 30 इंची की बुवाई है। क्या शानदार भाई, वास्तव में ट्रेंच की तरह गली खोल रखी है, और हाइट देखो कितनी हो रही, कपिल भाई तो छोटे से लगे काफी, और साइज बढ़िया जैसे शादी विधि में पूरा। चलो ट्रेंच में तो देखो मतलब ऐसा व्यू आ जा देखने का, गली से खुल जाए बढ़िया, अरे भाई ये तो शादी विधि में बहुत बढ़िया खेत खड़ा, बहुत ही गजब का। तो कपिल भाई जैसे 38 में दिक्कत आ रही है हमारे साइड में जी। भाई घबरा रहे, तो भाइयों के लिए क्या सलाह है आपकी? भाई सलाह तो हमारी ये है, नए बीज तो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे जी 38 का, भाई आपकी तरफ ज्यादातर ये खराब हो चुका है बीज उस साइड में, मेरठ जिले में, बागपत में, बड़ौत में, मुजफ्फरनगर साइड में काफी दिक्कत है। कपिल भाई आप कुछ बता रहे थे? बस मैं ये कह रहा था, सबसे पहला तो कूड़ी का खाद जी, और दवाइयों पर कम करो, और हो सके तो किसान अगर अपना फसल चक्र बदल ले, अगर खेत को एक साल ठाली छोड़ दे, कुछ और फसल बोके, ईख ना बोके, तो हमारा ये 38 फेल हो नहीं होगा। पर धान बोलो और गेहूं बोलो, धान बोलो, सरसों बोलो, फिर या आलू बोलो, फिर अगले साल लगा लो, खेत को रेस्ट मिल जाएगा, तो जो इसमें गन्ने में जो रोग लगता है वो रोग खत्म हो जाएगा खेत में। कुछ तो रोग जमीन से भी तो है, जमीन से क्यों, जमीन में दम नहीं रहा बस, तो क्यों लगातार गन्ना लेते आ रहे, एक ही वैरायटी चल रही है, और गन्ना की ताकत चाहिए ज्यादा खेत में, और वैरायटी भी एक ही चल रही, वैरायटी एक ही चल रही है, कूड़ी का भी खाद मुझे लगता है हर किसान नहीं डाल पा रहा, बहुत कम है, बहुत कम है।
वे तो लाल बेड़ी पन्नी पे विश्वास कर रहे हैं, पन्नी पे विश्वास कर रहे हैं। लाल बेड़ी की दुकान पे जाओ, लाल बेड़ी पन्नी ले आवे, एकदम असर चाहिए। हाँ, वो नुबर रंग आ गया, नुबर दुकान पे जाकर नुकाओगे, नुबर ऐसा सामान दे दे एक उठी चली जा। और बस दुकानदार भी ऐसे हैं, उन्हें अपनी पोटरी बांध के देनी है, पुड़िया बांधने कुछ भी हो खेत में, पांच सात गोलियों की अपनी पोटरी बना के दे देंगे। मेरे यहाँ से बिक गया, खेत का नाश हो या खेत बढ़िया हो, उन्हें कोई मतलब, उन्हें तो बेकने से मतलब है, बेकने से मतलब है। देखो चाहे भाई, कुछ भाई बुरा मान जाएंगे, दुकानदार भाई भी अपने, पर अपनी आदत है खुल के कहने की। अरे भाई, किसान भाई भी कह रहे हैं इस बात को, मैं भी कहूँ भाई, अपना लिमिट में अगर भाई वीडियो देखते हो तो अपना किसानों को ज्यादा दवाई मत देख रहो, किसान भाई भी अपना देख के ध्यान से लिमिट में दवाई लगाओ और कूड़ी का खाद डालो ज्यादा हो सके। पहले भी फसल होती थी जी, हाँ बिल्कुल होती, इंसान भी स्वस्थ रहता था, अब इंसान भी उतना ही बीमार हो रहा है जितनी दवाई चल रही है खेतों। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपना सभी किसान भाई ध्यान दें इन बातों पे, दवाई कम से कम लगाओ, फसल लो अच्छी, बिना दवाई के भी अच्छी होती है फसल, हमारे यहाँ ये हो रही है। हाँ, देखो बस नॉर्मल लागत की, देखो क्या शानदार है, और कूड़ी का खाद जरूर डालते हैं हम। मेन बात यू है कूड़ी का खाद की, और एक बार हमारा कहना ये भी है कि फसल चक्र जरूर बदलो, बिल्कुल ही उसका फर्क पड़ा, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तुम्हारे खेत से बीमारी आधी से ज्यादा बीमारी निकल जाएगी इसलिए। तो कपिल भाई एक चीज और बताते हैं आप अभी कुछ और जी, कि भाई किसान भाइयों के लिए एक सलाह और थी आपकी कुछ। किसान भाइयों के लिए यही सलाह है कि किसान भाई आजकल फोन पे सब पे डिजिटल फोन है, मल्टीमीडिया फोन है, और फोन पे बहुत सारे ऐप हैं, कृषि ऐप है किसानों के लिए, जो अपना फसल का फोटो डाल के और उस पर बीमारी दिखा देते हैं, उसकी दवाई भी मिल जाती है और वो सही दवाई बताते हैं, सही सलाह देते हैं। ज़्यादातर दुकानदारों पर जाओ तो अपने मुँह से मांगो दवाई कि हमें फलानी दवाई दो, सही बात है, दुकानदारों से मत कहो कि हमें कौन कौन सी दवाई लगानी है खेत में, अपने आप जाओ, फोन पे देखो, यूट्यूब पे देखो, गूगल पे सर्च करो और किसान से खुद जाकर बताओ दुकान से कि हमें फलानी दवाई दे दो भाई। फिर वो पुड़िया नहीं बैठने का, पुड़िया नहीं बैठने का, तुम्हें ये पोटरा बांध के नहीं देगा भाई, 2-4 हज़ार आपको दवाई की जरूरत है 1000 रुपए की, 2000 रुपए की वो एक्स्ट्रा दवाई बांध के दे देगा, कैसे भी लगाओ वैसे भी लगाओ, उनमें से भी आधी रिएक्शन कर देंगे, असर होने का, रिएक्शन कर देंगे जब हमारा गन्ना खराब हो रहा है, हमारा फसल खराब हो रही है। तो अरुण भाई जी की तरफ से भी यही कहना है किसान भाइयों के लिए, वो हमारा अपना भी यही कहना बिल्कुल, क्या संभल कर फसल करो अपनी, और सबकी सलाह से किसानों की से भाई, सब इसमें ऐड हैं, चैनल में भी ऐड हैं और बहुत से चैनल पे हैं, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं, और हमारे अरुण भाई जी हैं, ये भी बहुत अच्छी सलाह देते हैं। तो अपना सबसे जानकारी लेकर अपना, तो भाई कपिल भाई और कहना, जिस काम को करो जी से करो, बस मन लगा करो, देखो कैसा फसल नहीं होने की, खूब फसल होती है। और किसान भाइयों, दलालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, आप भी किसान हो हम भी किसान है, जब किसान की जेब से जाता है जब पता चलता है। हाँ नहीं नहीं, बीजों के चक्कर में कभी देखेंगे कहीं लूटो पीटो, कहीं हम भी बीज लाए हैं कहीं से महंगा ला के बोया, लेकिन हम सस्ता भी। आपने अपना कपिल भाई की वीडियो देख ली होगी, 1335 वाली, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलने का जितना कपिल भाई दे रहे। वो सलाजीत बना दी थी बहुत महंगी है सलाजीत, तो वो सलाजीत हमने सस्ती कर दी, वो सलाजीत आपने सस्ती कर दी, स्वर्ण भसम बता दी थी लोगों ने, ऐसी स्वर्ण भसम किसी पे है नहीं, हम पे है, बस वो सब जगह उपलब्ध है, किसान भाई ना डरे और सब सेवा होगी सब। कपिल भाई एक तो भी बहुत है लोगों ने बीजिए, तो भाईयो अपना वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर लियो, और भाइयों फिर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो चैनल पर, बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी। बस जी सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना अरुण भाई की चैनल को, और ऐसे ही आगे किसानों का सहयोग करते रहेंगे। ठीक है भाइयों, नमस्कार।